एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलोशिप जो कि नीति आयोग द्वारा करवाई जा रही है, उसके लिए जो एक वीडियो है वो ऑलरेडी बना दिया गया है। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आशान्वित ब्लॉक फेलोशिप 2023 का वीडियो पार्ट टू है। वीडियो पार्ट वन का थंबनेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो इससे पहले आप जाकर ये पार्ट वन देखिए, पार्ट वन देखने के बाद आप पार्ट टू देखिए। इस वीडियो में हम ये जो एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलोशिप ABF है, जिसमें कैंडिडेट को 55,000 रुपये प्रतिमाह का स्टाइपेंड दिया जाएगा, एक वर्ष के लिए उसका कार्यकाल रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक वर्ष और एक्सटेंशन उसे दे दिया जाएगा, और इसमें जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू और GD के बेसिस पे, या फिर केवल इंटरव्यू या केवल जीडी के बेसिस पर ही होगा। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, फॉर्म भरना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पार्ट वन के अंदर हमने इसकी योग्यताएं, इसके कार्य की प्रणाली और ABF क्या है उसके बारे में बेसिक जो डिटेल्स हैं वो डिटेल वीडियो के साथ डिस्कस की हैं। उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये पार्ट टू है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो राजस्थान के 27 ब्लॉक हैं अलग अलग ज़िलों के, उनके अंदर आपको कैसे पता लगेगा कि किस ज़िले में आया हुआ है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी जो सूचना मेरे पास है उस सूचना के अकॉर्डिंग धौलपुर, करौली और एक ज़िले में और ये जो फेलोशिप है उसके लिए कॉल किया गया है। तो अभी आप स्क्रीन पर वो तीनों ज़िलों का जो इमेज है वो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस ABF को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, उसके बाद आप उस ज़िले में कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी डिटेल में देखने वाले हैं। आप सभी का स्किल यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड में स्वागत है। डियर SYGN, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, भारत एक विशाल विविधता भरा जीवंत देश, 140 करोड़ देशवासियों की ऊर्जा से बढ़ता देश, नई दृष्टि नए संकल्प के साथ नई आकांक्षाओं को जन्म देता देश, आकांक्षाएं जो हर देशवासी की अपनी है पर जिन्हें पूरे देश को मिलकर साकार करना है। इसलिए लोक कल्याण की योजनाओं को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए राज्यों के सहयोग से अब फोकस ब्लॉक के विकास पर करना होगा, क्योंकि ब्लॉक्स ही विकास की इकाई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की सफलता से सीखकर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम शुरू होगा 500 ब्लॉक से, ऐसे ब्लॉक्स जो शायद बाकी ब्लॉक्स जितना विकास नहीं देख पाए हैं, ऐसे ब्लॉक्स जो प्रदेशों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद चुने गए हैं, एक ऐसा प्रोग्राम जो हर प्रदेश को अपने अपने ब्लॉक्स की जरूरत वाले विषयों और क्षेत्रों पर काम करने में सहायता करेगा। ಶಾಪೂರ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದರಲ್ಲೂ ತಾಯಂದಿರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಅಪ್ನೇ ಅಪ್ನೇ ಕೀ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸಾಥ್ ಯೇ ವಿಕಾಸ್ ಕೋ ಜನ್ ಜನ್ ತಕ್ ಲೇ ಜಾನೆ ಕಾ ಏಕ್ ಅನೂಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೈ ಔರ್ ಯುವಾಓಂ ಕಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸೋಚ್ ಔರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕೆ ಬಲ್ ಪರ್ ಯೇ ವಿಕಾಸ್ ಹರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೆ ಹರ್ ಕೋನೆ ಮೇ ಫೈಲೇಗಾ. रायगढ़ जिला पदमपुर पंचायत समिति गोटे आदिवासी अधूषित अंचल, एठारे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार समस्त योजना कार्यकारी करा जाए। एही आदिवासी संप्रदाय लोक को समाज मुख्य स्रोत को आने एक सुस्थ जीवन जापन निमंत्ते प्रशासन तरफ अहरह चेष्टा चली। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के हर प्रखंड यानी ब्लॉक्स जो पीछे रह गए थे अब दूसरे ब्लॉक्स के लिए गतिवर्धक साबित होंगे, जिससे सारे ब्लॉक्स मिलकर अपने अपने प्रदेश में विकास के स्टेट एवरेजेस को छू पाएंगे और पूरे देश में होते विकास को और गति देंगे। जब दूसरों की आकांक्षाएं अपनी आकांक्षाएं बन जाए, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, विकसित प्रखंड, विकसित जिला, विकसित प्रदेश, विकसित भारत।
एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम या एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलोशिप के अंदर बेसिकली जो सूचना है किस जिले में किस ब्लॉक में आपका ये प्रोग्राम होने वाला है या ये फेलोशिप रहने वाली है, उसकी सूचना आपको या तो जो दैनिक समाचार आते हैं उनमें या फिर आपको स्किल यूथ गुरुकुल पेज का जो यूट्यूब चैनल है उसकी कम्युनिटी पोस्ट में या फिर स्किल यूथ गुरुकुल की जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर कंटिन्यूसली मिल जाएगी। आप इन तीनों को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसमें हम पहले जो तीन जिलों की सूचना मुझे मिली है उसके बारे में बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। ये करौली जिले की रहने वाली है। यहाँ पर करौली जिले का जो मासलपुर ब्लॉक है उसमें एक ब्लॉक फेलो डिप्लॉय किया जाना है। फॉर्म भरने की जो डेट है उसमें लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन है वो हार्ड कॉपी या फिर ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हैं। इनका ईमेल एड्रेस cpo.karoli@gmail.com है। आप हार्ड कॉपी भी जमा करा सकते हैं और हार्ड कॉपी जो है वो आपको बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जमा करवानी है। करौली की बात कर रहा हूँ मैं। और जो सॉफ्ट कॉपी अगर आप भेजना चाहते हैं तो आपको cpo.karoli@gmail.com पर सबमिट करनी है। डॉक्यूमेंट्स बेसिकली सभी फेलोशिप के लिए, सभी जिलों के, सभी ब्लॉक्स के लिए कॉमन रहने वाले हैं। आपको अगर किसी जिले में ऑनलाइन अप्लाई करवाया जा रहा है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की कंडीशन के अंदर, ऑनलाइन अप्लाई करने की कंडीशन में आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं। अगर ईमेल के थ्रू आप भेज रहे हैं तो ईमेल पर आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी भी अटैच करनी है। अगर आप हार्ड कॉपी भेज रहे हैं तो फॉर्म भर के उसके बाद में उसके साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो छाया प्रति है ओरिजिनल की सेल्फ अटेस्ट करके आप लगाएंगे। तो ये करौली का हो गया। अब करौली की वेबसाइट जो है वो www.karoli.rajasthan.gov.in है। इसकी ज़्यादा सूचना आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। अभी हम इन तीनों जिलों में से एक किसी भी जिले की रैंडमली वेबसाइट विजिट करेंगे, पता करेंगे कि आपको ये सूचना वहाँ पर कैसे मिलेगी। नेक्स्ट जिला देखते हैं कौन सा है। जिला है वो बेसिकली बाड़मेर है। कार्यालय जिला कलेक्टर बाड़मेर, ये 28/9/2023 को दैनिक भास्कर जयपुर में पब्लिश हुई है। इसके अंदर जो एक ब्लॉक फेलो है उस एक ब्लॉक फेलो को बाड़मेर के रामसर ब्लॉक में डिप्लॉय किया जाना है। और इसके अंदर जो निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय मुख्य आयोजना अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर की ईमेल पर जो कि cpobaadmer@gmail.com पर है या दोनों को साथ में एक बार सॉफ्ट कॉपी भेज देनी है। यहाँ एवं लिखा हुआ है। एवं मतलब सॉफ्ट कॉपी भेजनी है और हार्ड कॉपी भी भेजनी है। ऑफलाइन दिनांक 3/10/2023 को शाम 6 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। समस्त जो विवरण है और जो फॉर्म वगैरह है उस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन करेंगे। लास्ट डेट 3/10/2023 है। समस्त जानकारी आपको जो है वो इसकी जो वेबसाइट है www.baadmer.rajasthan.gov.in पर मिल जाएगी। एक और जिला है धौलपुर, उसके बारे में भी जान लेते हैं। फिर एक वेबसाइट हम विजिट करेंगे, उस वेबसाइट पे जानेंगे कि जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। ये अगला जिला रहने वाला है धौलपुर। धौलपुर के अंदर जो दिनांक है वो 20/9/2023 से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और इसमें 28/9/2023 12:00 PM तक फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ा दी गई थी। अब आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है कि इससे पहले हमने करौली और करौली के बाद में बाड़मेर जिले के बारे में एक्सप्लोर किया था। वहाँ पर ऐसा आवेदन का कोई लिंक नहीं दिया हुआ था, तो हो सकता है कहीं पे ईमेल के थ्रू प्लस हार्ड कॉपी दोनों मंगवाई जा रही है, कहीं पे ईमेल के थ्रू ही अप्लाई किया जा रहा है, हार्ड कॉपी भी नहीं मंगवाई जा रही, और कहीं पर ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग रह रहा है। अब आपको बस यही ध्यान रखना है, जो विज्ञप्ति है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसकी वेबसाइट पर जाके उससे संबंधित सारी सूचनाएँ जुटा लेनी है, केवल फॉर्म भरने की। बाकी सूचनाएं जो हैं हम पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट टू में हम तीन जिलों की बेसिक गाइडलाइंस देख चुके हैं। अब एक बार हम इस धौलपुर की वेबसाइट को विजिट करते हैं और देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। आइए धौलपुर की वेबसाइट विजिट करके जानते हैं फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। आपको इसी तरीके से दूसरे जिलों की जो वेबसाइट उस विज्ञप्ति में दी होगी वो चेक कर लेना है या आपको नज़दीकी ई मित्र की हेल्प ले लेनी है। आइए कॉन्टेंट को आगे एक्सप्लोर करते हैं। विज्ञप्ति के अंदर आपको तरीका बताया जाएगा कि आपको अपना फॉर्म कैसे सबमिट करना है। जैसे अभी हमने तीन जिले देखे थे, इन तीन जिलों में अप्लाई करने का तरीका देख लिया है। अब हम एक बार धौलपुर की वेबसाइट विजिट करते हैं। तो धौलपुर की वेबसाइट उस विज्ञप्ति में दी हुई थी। हर जिले की विज्ञप्ति में आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आप वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं।
जैसे ही हम वेबसाइट पे आते हैं और स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ सूचनाएं प्रदर्शित हो रही होती है। यहाँ लिखा हुआ है अन्य महत्वपूर्ण लिंक, इनके बाद यहाँ लिखा हुआ है प्रेस प्रकाशनी, सरकारी आदेश और टेंडर, नवीनतम अपडेट, ऐसा करके कुछ टूल्स हमारे सामने होंगे, कुछ लिंक हमारे सामने होंगे। इन लिंक के अंदर हमें बेसिकली यहाँ जो ये सरकारी आदेश लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 सितंबर को एक आदेश दिया गया है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज नाउ 28/9/2023। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको और डिटेल्स दी गई है, आपको भर्ती संबंधित विवरण दिया गया है। यहाँ पर संलग्न दस्तावेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ पीडीएफ डाउनलोड होगा, उस पीडीएफ के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है और ये लिंक दिया गया है, एक बार हम इसके ऊपर टच करके देखते हैं, ये काम नहीं कर रहा। इसके बाद हम एक बार ग्लोब पे टच करते हैं, जैसे इस ग्लोब पे हम टच करते हैं ये इंटरफेस जो है एक प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पर एक docs.google.com नाम से एक वेबसाइट ओपन हो जाती है और यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर बेसिकली फॉर्म फॉर सिलेक्शन ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो फॉर ब्लॉक बसरीडी धौलपुर राजस्थान, द फॉर्म फॉर सिलेक्शन ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो फॉर ब्लॉक बसरीडी धौलपुर राजस्थान इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेज। तो बेसिकली यहाँ लास्ट डेट धौलपुर में 28 तारीख थी, आपको डेट्स का पता रखना है, तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना था। किसी जिले में आपसे ईमेल पर प्लस ऑफलाइन दोनों फॉर्म मांगे जा सकते हैं, किसी जिले में आपसे ऑनलाइन फॉर्म मांगे जा सकते हैं। तो जहाँ पर आपको ईमेल के थ्रू मांगे जाए, वीडियो में दी गई हुई गाइडलाइंस फॉलो करना, विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म अप्लाई कर देना। तो ये कुछ क्राइटेरिया था जिसमें आप हर जिले की वेबसाइट जो कि विज्ञप्ति में दी हुई होगी उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ जान सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। ये पार्ट टू है, पार्ट वन जरूर देखें, इसके बाद हो सकता है इसका पार्ट थ्री पार्ट फोर भी आए। साथ में विज्ञप्ति की सूचना के लिए आपको दैनिक समाचार पढ़ते रहना है, इसके लिए गुरुकुल का यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन लेके जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है कम्युनिटी पोस्ट चेक करने हैं, इसके लिए गुरुकुल का फेसबुक पेज जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वो भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी आप जाकर इसकी विज्ञप्ति देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जितने भी हमारे SYGNs इसमें अप्लाई करने वाले हैं उन सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट इसी के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में पार्ट थ्री में। धन्यवाद।